नमस्कार। प्रतियोगिता परीक्षाओं के इस दिशा निर्देशन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। पहले ही मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम आप टीसैट के माध्यम से देख रहे हैं। मैं सभी श्रोताओं को इस विशेष कार्यक्रम में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और इस विभाग में आज हम हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित जो पहला विभाग है, जो पहली इकाई है, उसके अंतर्गत जो दूसरे बिंदु हैं उन पर आज हम विचार करेंगे। तो पहले विभाग में, पहले यूनिट में हम लोगों ने भाषा, उसका अर्थ, परिभाषा, उसका महत्व, उसका स्वरूप, उसकी प्रकृति आदि के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम भाषा, जो प्रथम भाषा के रूप में हो या द्वितीय भाषा के रूप में हो या फिर सरकारी भाषा के रूप में हो या फिर भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को लेकर कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हिंदी भाषा जो है या फिर हमारी जो मातृभाषा है, बोली है, जो भी हो, तो उसे प्रथम भाषा के रूप में हम कैसे लागू करते हैं या फिर कैसे लागू हुआ है, उससे संबंधित जो बातें हैं आज हम देखेंगे। तो देखिएगा, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, या इसे हम मातृभाषा भी कहते हैं, मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। मातृभाषा शिक्षण द्वारा हम बालक का साहित्यिक, नैतिक तथा उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं या करते हैं। मतलब प्रथम भाषा के रूप में जब हम भाषा पढ़ाते हैं तब बालक का हम लगभग सर्वांगीण विकास हम इसमें कर सकते हैं, न कि द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ने से। परीक्षार्थी एक बात ध्यान रखें, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी या फिर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, यह विषय जब हम पढ़ते हैं तब इसे हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके अगर हम पढ़ें तो यह विषय बहुत ही आसानी से हम इसे याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी जो है प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, और ऑब्वियसली अहिंदी भाषी प्रदेशों में हम इसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाते हैं। और प्रथम भाषा के रूप में जब हम पढ़ाते हैं या फिर मातृभाषा के रूप में जब हम पढ़ाते हैं तब बालक का साहित्यिक, नैतिक तथा उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हम इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस विषय में बहुत ही अच्छी बात कही है। मतलब मातृभाषा का क्या महत्व होता है, इसे अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कथन दिया है जो इस प्रकार है। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिनो निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये कुशूल। देखिए, इतना महत्व अपने मातृभाषा का, या फिर मातृभाषा को ही हम प्रथम भाषा कहते हैं, एक बात याद रखिए। भले ही मैं उसका उच्चारण करूं या ना मातृभाषा ही करूं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह जो कथन है सटीक रूप से यहाँ पर लागू होता है कि जब तक हम अपनी निज भाषा का, जब तक हम मातृभाषा का हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक किसी भी भाषा का हम लोग ठीक से अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए वे कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनो निज भाषा ज्ञान के मिटे न गिये कुशूल। इसलिए मातृभाषा का इतना महत्व यहाँ पर बताया गया है। तो यह जो है प्रथम भाषा के रूप में हम इसका अध्ययन हमेशा करते आए हैं। मातृभाषा जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पढ़ाई जाती है। इसे बोलने का अभ्यास बालक में अपने आप हो जाता है। मातृभाषा में सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें साहित्यिक पक्ष पर जोर देने की आवश्यकता होती है। मतलब परीक्षार्थी ध्यान दे कि मतलब मातृभाषा में कौन सी प्रक्रिया स्वाभाविक है, लिखना, पढ़ना, श्रुतलेखन, या फिर किसी और प्रकार का भी देकर जो है सुनना करके भी एक पर्याय दे सकते हैं। इसलिए मातृभाषा में सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें हम सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे किसी अन्य परिचित भाषा को अगर हम जानकारी उससे प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसकी शब्दावली को हम लोगों को सीखना पड़ेगा, उसके पश्चात हम उसके भाव को समझेंगे और नई नई बातों को हम लोग उसमें जानेंगे। लेकिन मातृभाषा में यह समस्या नहीं है। हम जब सुनते हैं तो वह जो सुनने की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक रूप से है, जो कि सभी में होती है। इसलिए मातृभाषा जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं या फिर पढ़ाया जाता है। अब देखिए, यह हुआ
प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन, मतलब जहाँ पर हम अपनी मातृभाषा का अध्ययन करते हैं तभी प्रथम भाषा के रूप में भी हम अनायास रूप से उसका अध्ययन कर रहे होते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। लेकिन जब द्वितीय भाषा के रूप में हम हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं तब जो है परिस्थितियाँ थोड़ी सी भिन्न होती हैं। मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि मतलब जब हम इन दोनों विषयों को अध्ययन करते हैं, इन दोनों विषयों का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तब हम जो है थोड़े से विभाग अलग अलग करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लग सकता है, क्योंकि डिस्टिंग्विश करके अगर हम ऐसी बातों को पढ़ेंगे या समझेंगे तो मैं समझता हूँ यह सभी के लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। तो प्रथम भाषा के रूप में जब हमने देखा कि मतलब सभी बातें जो है हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए या फिर बालक के नैतिक मूल्यों को विकास करने के लिए यह भाषा आवश्यक है, और इसमें जैसे हरिश्चंद्र का उदाहरण भी हम लोगों ने देखा। तो द्वितीय भाषा के रूप में जब हम हिंदी का अध्ययन करते हैं तब कौन कौन सी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं तब हम इसे देखेंगे। देखिए, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का जब हम अध्ययन करते हैं तब अहिंदी भाषी क्षेत्रों में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का पठन पाठन होता है। इसका उद्देश्य केवल बालक का कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक तथा सौंदर्य बोधात्मक विकास करना मात्र होता है। मतलब जब हम प्रथम भाषा के रूप में पढ़ रहे थे तब हिंदी भाषा की जो बातें थी वो अलग थी, जब हम द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं उसका अध्ययन केवल बालक का कौशलात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, रचनात्मक विकास तथा सौंदर्यात्मक, सौंदर्य बोधात्मक विकास के लिए मात्र ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका सर्वांगीण विकास इस भाषा के माध्यम से हम उतना नहीं कर सकते हैं जितना कि मातृभाषा के रूप में हम लोग कर सकते हैं। इसलिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का जब हम अध्ययन करते हैं तब इस बात को विशेष ध्यान से रखना चाहिए कि यहाँ पर जो है अहिंदी भाषी प्रदेशों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मतलब जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जो नॉर्थ इंडिया का जो भाग आता है उसमें जो 10 अलग अलग राज्य आते हैं उनमें हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, मतलब मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। और जो साउथर्न पार्ट है, मतलब जो हमारा जो तेलुगु राष्ट्र है या फिर तमिलनाडु है, इन राज्यों में जो है हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं, माने यह अहिंदी भाषी कहलाता है। इसलिए यहाँ पर अहिंदी भाषी होने के कारण इन भाषाओं के रूप में हिंदी का पठन पाठन यहाँ पर सदैव चलते रहता है। उसके पश्चात यदि हम देखें तो अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी केवल अन्य राज्यों से संपर्क की स्थापना करने के लिए, मतलब एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में हम इसको देखते हैं, इसीलिए उसका अध्ययन हम लोग इसमें कर सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पहले बालक को पढ़ना सिखाए जाने के पश्चात ही बोलना संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं। मतलब जब हम द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में, तब जो है इसका एक मुख्य बिंदु क्या होता है कि हम दूसरे राज्यों से जो संवाद स्थापित करने के लिए, जो संपर्क स्थापित करने के लिए जो सीखते हैं केवल उसी के लिए सीखते हैं, वह हमारी चूंकि मातृभाषा नहीं है इसलिए कालांतर में उसका हम विस्मरण हो सकता है या फिर विस्मरण कर सकते हैं। इसलिए जो द्वितीय भाषा के रूप में जब हम हिंदी पढ़ते हैं तब अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जो हैं दूसरे राज्यों के संपर्क बनाने के लिए मात्र ही इसका अध्ययन हम लोग इसका करते हैं। और इसमें बालक को सबसे पहले जो भाषा है, द्वितीय भाषा है, उसे पढ़ना सिखाना होता है। पढ़ना सिखाने के पश्चात ही वह भाषा बालक बोल सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए द्वितीय भाषा में जब हम हिंदी का अध्ययन करते हैं तब बालक को सबसे पहले उस भाषा का जानकार होना बहुत ज़रूरी है, तब ही हम उस भाषा के दूसरे रूपों को हम लोग जान सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में अगला हम बिंदु देखेंगे, द्वितीय भाषा में पढ़ने की योग्यता, अर्थ समझना तथा मौखिक अभिव्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसमें श्रवण प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि मातृभाषा सुनने के जो नियम होते हैं वो अनायास रूप से होते हैं, लेकिन द्वितीय भाषा के संदर्भ में श्रवण प्रक्रिया पर बहुत ही बड़ा बल दिया जाना चाहिए पड़ता है। मतलब जब हम अच्छे
या ठीक ढंग से हम उसको सुन पाएंगे तभी हम उसका उच्चारण कर पाएंगे या फिर उसके द्वारा पूछे गए सवालों को हम लोग जवाब दे सकेंगे। यदि हमारा श्रवण प्रक्रिया ही अगर गड़बड़ा जाए तो ऐसे में ज़रूरी नहीं कि मतलब हम उस भाषा को कहाँ तक मतलब न्याय कर सकेंगे। इसलिए इस भाषा में या फिर द्वितीय भाषा के रूप में जब हम हिंदी का अध्ययन करते हैं तब श्रवण प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि उसका जो अर्थ है द्वितीय भाषा पढ़ने में या पढ़ते समय उसके जो अर्थ होते हैं उसे समझना और मौखिक अभिव्यक्ति पर इसमें ज़्यादा बल दिया जाता है। इसलिए जब तक हम उस भाषा का हम अध्ययन ठीक से नहीं कर पाते हैं, जब तक उसे हम ठीक से सुन नहीं पाएंगे, तब तक उस भाषा का हम लोग अच्छे से जानकार नहीं बन पाते। इसलिए द्वितीय भाषा के रूप में श्रवण कौशल पर बहुत बल दिया जाता है, न कि प्रथम भाषा के रूप में, क्योंकि बालक जब बोलता है तो वो सुनने की प्रक्रिया अनायास रूप से करते चला जाता है अपनी मातृभाषा में। इसलिए द्वितीय भाषा के रूप में आने के बाद जो है इसके थोड़े से परिमाण अलग हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, इससे मतलब द्वितीय भाषा से बालक सुनी हुई भाषा का शुद्ध उच्चारण कर पाता है। द्वितीय भाषा के हिंदी शिक्षण में उसके भाषा ज्ञान पर विशेष बल देने की आवश्यकता यहाँ पर होती है, क्योंकि हम जो भाषा बोलते हैं उसे द्वितीय भाषा के रूप में जब हम पढ़ाते हैं सिखाते हैं तब जो है सुनी हुई भाषा का शुद्ध उच्चारण वो कर पाता है। मान लीजिए अशुद्ध वर्तनी या फिर अशुद्ध भाषाएं अगर हम बच्चों को सुनाते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं, इसलिए हम जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार की भाषा जो है कल बालक या फिर कक्षा के बच्चे जो है बात करना आरंभ कर देंगे। इसलिए संभव यही होना, प्रयत्न यही होना चाहिए कि हमारे द्वारा बताई जाने वाली भाषाएं या फिर हमारे द्वारा बताए जाने वाले जो उच्चारण है, शब्द है, नए नए शब्द, उसका उच्चारण सभी को सुने जाने लायक और स्पष्ट रूप से होने चाहिए, तभी हम इसमें बच्चों का लाभ कर सकते हैं। क्योंकि भाषा ज्ञान के अनुसार द्वितीय भाषा सिखाते समय इस पर विशेष बल देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि मतलब भाषा की कुछ प्रादेशिक सीमाएं होती है, एक एक प्रदेश की बोलियां, एक एक प्रदेश की भाषाएं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हुए भी जब हम उसका दूसरे लोगों के सामने जब हम अभिव्यक्त करते हैं उस भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, वही अगर गलत है तो अगले वाला व्यक्ति आगे जो सुन रहे हैं वे जो है उस भाषा के संपूर्ण मर्म को ठीक से नहीं ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए भाषा कौशलों के आधार पर या फिर भाषा ज्ञान के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि द्वितीय भाषा के रूप में जब हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं तब भाषा ज्ञान पर विशेष बल देने की आवश्यकता यहाँ पर महसूस की जाती है। यदि आप संपूर्ण भाषा सिद्धांत अगर यहाँ पर अपनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप देख सकेंगे कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी जो है कुछ लोगों की भाषाओं में अंतर हम लोग देख सकते हैं। यह उन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है, उसे हम चाहकर भी नहीं भी बदल सकते हैं, लेकिन भाषा का जो रूप है वो वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। इसलिए प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो बदलाव भाषा में आते हैं उन बदलावों को भी जो है हम लोग अनायास रूप से ध्यान दे सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उसे हम लोग कुछ नए सीखने की या फिर उसको परिवर्तित करने की भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने हिंदी भाषा प्रथम भाषा के रूप में अध्ययन किया, द्वितीय भाषा के रूप में भी इसका अध्ययन किया, उसके बाद जो है सरकारी भाषा के रूप में हिंदी की क्या भूमिका है, सरकार के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों पर हिंदी भाषा कितनी खरी उतर रही है, उसके अनुप्रमाण क्या है, वो कहाँ तक सफल हो पाई है, इस पर अगर हम दृष्टि डालेंगे तो यह पता चलेगा कि हिंदी जो है भारत की सरकारी भाषा है, इस बात से हम लोग नकार नहीं कर सकते हैं। मतलब हिंदी भारत की राजभाषा भी है, वो बात आगे आएगी, और साथ साथ सरकारी भाषा भी है। मतलब भारत में भिन्न भिन्न भाषा भाषी के लोग हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब भिन्न भिन्न भाषाओं में, पहले ही मैंने कहा कि मतलब भारत एक बहुत ही विशाल ऐसा देश है, साथ साथ बहुभाषी लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भी एक जो है
महत्वपूर्ण भाषा है और हिंदी लगभग सभी लोगों की संपर्क भाषा, मूल भाषा या मातृभाषा के रूप में आज अपना योगदान दे रही है। यदि आप देखेंगे तो मतलब सरकारी कार्यालयों में किए जाने वाले पूर्ण कार्य, खासकर केंद्रीय जो कार्यालय होते हैं उनमें हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करने की बात संविधान ने की है। भले ही हम उसका इस्तेमाल कम करते हों लेकिन संवैधानिक रूप से जो है हिंदी को वह पद प्राप्त हुआ है, इसलिए हिंदी भारत की सरकारी भाषा के रूप में आज हम अवतरित कर सकते हैं, देख सकते हैं। सरकारी भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने में अहिंदी भाषा प्रांतों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जरूरी नहीं कि मतलब हिंदी भाषी जो राज्य हैं, यानी जो मातृभाषा के जो जानकार हैं, यानी जो प्रथम भाषा के रूप में जो हिंदी के जानकार हैं, उन्हीं के माध्यम से हिंदी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसा मानना गलत है। क्योंकि सरकारी भाषा के रूप में हिंदी को आगे ले जाने में अहिंदी भाषी जो प्रांत के लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो छात्र छात्राएँ हैं, जो अध्यापकगण हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं कि मतलब हिंदी के जो प्रसिद्ध ऐसे ग्रंथ हैं उनका आज दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ है ताकि उसकी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान दूसरे लोगों को भी हो। इसलिए अभाषी मतलब हिंदी जो भाषा है सरकारी भाषा, उसको आगे बढ़ाने में अहिंदी भाषी के जो प्रांत के जो लोग हैं उन लोगों का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है उसे आगे बढ़ाने में। क्योंकि यदि मान लीजिए तेलुगु राष्ट्र के होने के नाते केवल यहाँ पर तेलुगु ही बोली जाए, यदि ऐसी हम प्रस्तावना करते हैं तो वह सरासर लोगों को अनिच्छित लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो भाषा की बात हम कर रहे हैं उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि हिंदी जो है तेलुगु राष्ट्रों में भी उतनी ही अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से बात की जाती है जितने कि हिंदी प्रदेशों में। और यहाँ का जो साहित्य निर्माण है, अहिंदी भाषियों के द्वारा लिखा गया साहित्य भी हिंदी साहित्य को साथ साथ हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पर निभा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश में लगभग 15वीं शताब्दी से हिंदी भाषा का व्यवहार होने लगा ऐसा माना जाता है। मतलब 15वीं शताब्दी से पूर्व भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहले जो संयुक्त राज्य होता करता हुआ करता था तब आंध्र प्रदेश हम कहते थे, तो 15वीं शताब्दी से जो है आंध्र प्रदेश में या फिर तेलुगु राज्यों में जो है हिंदी भाषा का प्रचलन हुआ। वैसे तो हैदराबाद संस्थान में उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रचलन हुआ करता था, उससे भी पहले से भी बातें हुआ करती थी, लेकिन साहित्यिक रूप को अगर हम दृष्टि में रखें तो इसकी अच्छी शुरुआत जो है हम 15वीं शताब्दी से मानेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मतलब इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी से संबंधित जो बातें हैं एकदम मतलब अच्छे से अच्छी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी कारणवश इसमें कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे उन गलतियों को हमारी दृष्टि को लाने की कोशिश करें। आप फीडबैक भी दे सकते हैं जिसके माध्यम से हम भविष्य में आने वाली नई चीज़ों को जो नई बातों को जो है हम उसको ध्यान में रखकर आगे प्रेषित करने की कोशिश हम लोग करेंगे। इसलिए सन 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। इससे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में विशेष भूमिका निभाई। जैसे हमने कहा पहले ही कि मतलब हिंदी को आगे बढ़ाने में या फिर हिंदी का प्रचार प्रसार करने में, हिंदी साहित्य को और भी मतलब ऊंचे स्थान पर लेकर जाने में न केवल हिंदी भाषी प्रदेशों का बल्कि अहिंदी भाषी प्रदेश वालों के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसी को ध्यान में रखकर सन 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई जो आज भी कार्यरत है। इसने हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का बहुत ही बड़ा योगदान निभाया है उसको बढ़ाने में। हो सकता है कि मतलब उसमें भी कुछ कमियां हों लेकिन शुरुआती दौर पर चूँकि यह जो मामला है हिंदी को लेकर जो है दूसरे राज्य के लोगों की मानसिकता थोड़ी सी अलग थी, फिर भी तेलुगु राज्य होने के नाते यहाँ पर हिंदी का जो बढ़ावा, हिंदी का जो मान सम्मान मिला, उसके साथ जो प्रेम से व्यवहार हुआ,
उसमें यहाँ के लोगों का, साहित्यकारों का विशेष योगदान माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने हिंदी भाषा को या फिर हिंदी साहित्य को और ऊंचे स्थान पर लेकर जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वह है त्रिभाषा सूत्र। परीक्षार्थी और दर्शक यहाँ पर ध्यान दें, इस भाषा को समझते हुए हमने जब पहले ही एक कार्यक्रम में बताया गया था कि भाषा की प्रकृति, उसका स्वरूप, यह अलग बिंदु है और हिंदी को लेकर जो विशेष प्रावधान यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो अलग बिंदु ही हैं। इसका प्रश्न का स्वरूप क्या हो सकता है ये आप पिछले प्रश्नों को भी देखकर या फिर जानकर पढ़कर समझ सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि नए नए बातों को या फिर इस पाठ्यक्रम में जो बातें दी गई हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभाषा सूत्र की एक बात कही जा रही है। त्रिभाषा सूत्र का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो शाब्दिक अर्थ में हम देखेंगे तो तीन भाषाओं वाला सूत्र, उसे हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र में तीन भाषाएं होती हैं, जैसे कि हिंदी अध्यापक हो या फिर हिंदी से संबंधित जो लोग हैं वो इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि त्रिभाषा सूत्र माने तीन भाषाओं वाला ऐसा सूत्र जिसमें तीन भाषाओं के विशेष तीन भाषाओं पर जो है बल दिया जाता हो। त्रिभाषा मतलब जब हम कंटेंट पढ़ेंगे तो उसमें आप अनायास रूप से भाषा की बात पढ़ेंगे ही, मतलब त्रिभाषा सूत्र पहला ही वर्ण जो है हमें संख्यावाचक नज़र आ रहा है, इसलिए यह जो है व्याकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। त्रिभाषा सूत्र मतलब तीन भाषाओं वाला ऐसा महत्वपूर्ण शब्द। दर्शकों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब जो है खासकर शैक्षिक मापदंडों को लेकर या फिर भारतीय समाज में जो शिक्षा का जो प्रचलन है उस पर खास तौर पर विचार किया जाने लगा और तब से माध्यमिक शिक्षाओं में विशेष रूप से कुछ बदलाव लाने की बात जो है शिक्षाविदों ने की और उन शिक्षाविदों के द्वारा बताए गए नए नए नियमों, नए नए बातों को अपना कर या फिर उसमें कुछ सुधार लाकर जो है ये बात सामने रखी गई कि मतलब भारत में जो प्रचलित शैक्षिक मापदंड है या फिर शैक्षिक सिद्धांत जो है, शैक्षिक पद्धतियां जो है, उसमें कौन कौन से मौलिक बदलाव हम लोग कर सकते हैं जिससे कि सभी लोगों को, भारत के रहवासियों को, भारत के रहने वाले लोगों को अच्छी सी भाषा का हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए बहुत ही मतलब प्रचुर मात्रा में कोशिश की गई। इसमें 1948 में डॉक्टर ताराचंद समिति ने एक माध्यमिक स्तर पर द्विभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। मतलब भारत स्वतंत्र होने के बाद माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए 1948, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, 1948 ईस्वी सन में डॉक्टर ताराचंद समिति ने कौन से शिक्षा में सुधार लाने के लिए कार्य किया, ऐसा भी एक प्रश्न बन सकता है। मतलब माध्यमिक शिक्षा में हो सकता है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का या फिर दूसरे स्तर पर भी दिया जाता हो, लेकिन डॉक्टर ताराचंद समिति ने जो बात कही 1948 में वह है माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए। इसलिए कहा गया है कि माध्यमिक स्तर पर द्विभाषा सूत्र, देखिए त्रिभाषा सूत्र अलग है, द्विभाषा सूत्र है, यहाँ पर सामासिक विग्रह आप लोग कर सकते हैं, त्रिभाषा यानी तीन भाषाओं वाला सूत्र और द्विभाषा माने दोन भाषाओं का जिसमें सम्मेलन हो या फिर दो भाषाओं से संबंधित जो बातें की जा रही हो उसे हम द्विभाषा सूत्र, या फिर सीधा सीधा प्रश्न ऐसे भी हम पूछ सकते हैं कि मतलब ताराचंद समिति ने द्विभाषा सूत्र किस काल में या फिर किस ईस्वी सन में किया था। तो 1948 यह बात आपको याद रखना है, या फिर 1948 में द्विभाषा सूत्रों को किसने, इस सिफारिश को किसने लागू किया, ताराचंद समिति या फिर डॉक्टर ताराचंद के नाम से आप इसको आंसर दे सकते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि मतलब जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, उस टेक्स्ट को पढ़ते समय हम अपने आप से ऐसे कुछ सवाल बनाने चाहिए जो कि उसे हम अच्छे रूप से याद रखने में भी सफल सहायता होगी और उस विषय को गहन से गहन रूप में हम लोग उसको समझ सकते हैं। इसलिए पढ़ते समय ही हम प्रश्नों का स्वरूप हम लोग अपने आप को मॉड्यूल करते हुए हम लोग चलना चाहिए। तो द्विभाषा सूत्र को लागू करने के लिए जो ताराचंद समिति ने जो सिफारिशें की हैं वे क्या है अब हम देखेंगे। वे हैं, सीनियर बेसिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। यह कौन कह रहा है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टर ताराचंद समिति ने 1948 में जो द्विभाषा सूत्र को लागू किया था उसमें वे महत्वपूर्ण बात कहते हैं और उन सिफारिशों में पहली ही सिफारिश यह है कि सीनियर बेसिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, मतलब प्रथम भाषा के रूप में ही बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए और कुछ समय तक आंग्ल भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। और वे कहते हैं जब आंग्ल भाषा हट जाए तब संघीय भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। तो 1948 में दी गई यह सिफारिश डॉक्टर ताराचंद समिति के द्वारा कि सीनियर बेसिक स्तर तक, माध्यमिक स्तर तक जो है बालकों को दी जाने वाली शिक्षा का जो क्रम है वह क्रम मातृभाषा से ही संपन्न हो। और ये मातृभाषा कब तक हो? कुछ समय तक साथ साथ आंग्ल भाषा, मतलब द्विभाषा सूत्र में क्या कहा गया, एक मातृभाषा और दूसरा आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा। कहने का तात्पर्य है कि मतलब जब हम मातृभाषा की पढ़ाई करते हैं साथ साथ एक दूसरी भाषा का भी हमें अध्ययन करना अनिवार्य है करके सीनियर बेसिक मतलब माध्यमिक शिक्षा को दिए गए सिफारिशों में डॉक्टर ताराचंद समिति ने यह कहा। और जब आंग्ल भाषा अनिवार्य कंपलसरी आपको पढ़ना ही है, जब आंग्ल भाषा हट जाए तब संघीय भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा वाद बन सकता है कि मतलब आंग्ल भाषा कब से हटा सकते हैं या फिर कट हट जाएगी। तो इसलिए इस समिति के द्वारा दिए गए सिफारिशों में यह बात कभी भी मतलब लागू नहीं किया गया कि मतलब पर्टिकुलर इस स्थान तक या फिर पर्टिकुलर इन सालों के बाद जो है आंग्ल भाषा को हम लोग हटा देंगे। ऐसी भाषा ऐसी मतलब किसी भी प्रकार की बात यहाँ पर न की जाने के कारण जो है इस द्विभाषा सूत्र को यानी डॉक्टर ताराचंद समिति को जो यहाँ पर थोड़ा सा असफल लग सकता है। वे कहते हैं 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। मतलब ये थोड़े से आपको याद रखने की बात है, 1948 में जो बात कही गई थी उसमें डॉक्टर ताराचंद ने कहा था और वह था माध्यमिक शिक्षा के लिए। और यहाँ पर जो बात की जा रही है मतलब आंग्ल भाषा को कब तक हम पढ़ाएं, इसकी कोई मतलब सीमाएं, कोई मतलब बात इसमें स्पष्ट रूप से न होने के कारण फिर से एक आयोग की स्थापना की गई जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी जो शुरुआत है मतलब यह जो आयोग बना वह 1952 में जो शिक्षा आयोग बना वह है माध्यमिक शिक्षा आयोग और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर मुदालियर। हम इन नामों से भली भांति परिचित हैं क्योंकि डॉक्टर मुदालियर आयोग जो है या फिर मुदालियर कमीशन करके बहुत ही मतलब प्रसिद्ध रूप से हम देख सकते हैं। इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में जो शिक्षा का जो प्रचलन था, तत्कालीन प्रचलन, उसमें आमूल रूप से बदलाव लाने के लिए इन्होंने जो कोशिशें की थी उन्हीं कोशिशों के चलते जो है आज सतत उसमें बदलाव आ रहा है। क्योंकि हमने जैसे भाषा और बोली में जो अंतर स्पष्ट करते समय देखा कि मतलब कोई भी बोली अपने आप में बदलाव करते समय जो है वो परिष्कृत बन जाती है, मतलब वो आदर्श भाषा बन जाती है। मतलब उसमें लिखा गया साहित्य, उसको अपनाने वाले लोग, उसको अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले जो लोग हैं उनके माध्यम से जो वो आदर्श भाषा बन जाती है और आदर्श भाषा बनने के बाद उसमें आमूल परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्यों बताया जा रहा है कि 1952 ईस्वी में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग बना और उसके अध्यक्ष डॉक्टर मुदालियर थे, उन्होंने इस आयोग ने अपना जो निवेदन है, जो रिपोर्ट है, वो 1953 में
प्रस्तुत किया। मतलब 1952 में इसका गठन हुआ, 1953 में उन्होंने एक एक प्रकार का अध्ययन करके जो है उन्होंने सरकार को अपना रिपोर्ट सौंप दिया। जो निवेदन उन्होंने सरकार को दिया उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए, और वो सुझाव क्या थे इस प्रकार। उनके जो 3 सुझाव दिए गए थे वे इस प्रकार हैं। माध्यमिक पाठशालाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में होना चाहिए। मिडिल स्कूलों में छात्रों को कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए, किंतु दोनों भाषाएं एक ही वर्ष में न पढ़ाई जाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक पाठशालाओं में प्राथमिक जब शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसका जो माध्यम है, उस शिक्षा का जो माध्यम है वो केवल और केवल मातृभाषाओं में ही होना चाहिए, या फिर अगर चाहें तो आप प्रादेशिक भाषाओं के अंतर्गत हम उसको ले सकते हैं। जैसे भोजपुरी एक भाषा है प्रादेशिक भाषा, बिहारी या फिर मैथिली जो भाषा है प्रादेशिक भाषा, तो वो लगभग मातृभाषा के लोग ही उसको जान सकते हैं। इसलिए मुदालियर कमीशन ने जो सुझाव दिए थे 1953 में, वे सुझाव के अनुसार उनका बल इस पर है कि मतलब माध्यमिक पाठशालाओं में शिक्षा जब हम देते हैं छात्रों को तब मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में ही दिए जाने चाहिए। और दूसरी वे बात कहते हैं कि मिडिल स्कूलों में छात्रों को कम से कम 2 भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब मिडिल स्कूल में जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं, छात्रों को जब अध्ययन पठन पाठन हम लोग करवाते हैं, तब उसका जो माध्यम है वह जो है 2 भाषाओं में होनी चाहिए। और 2 भाषाएं भी ऐसे उन्होंने एक कंडीशन भी लगाई कि 2 भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए, किंतु दोनों भाषाएं एक ही वर्ष में न पढ़ाई जाए। मतलब वे देखिए, शिक्षा का माध्यम जब हम क्रियान्वयन करते हैं, जब किसी भाषा को या फिर किसी नए विषय को जब हम लागू करते हैं, उसका जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन करते समय उसका पूरा जो प्रत्यक्षिक करके प्रैक्टिकली हम उसको ध्यान में रखकर उसको अपनाया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए मिडिल स्कूल में 2 भाषाओं को एक साथ साइमल्टेनियसली अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे चूँकि अपनी मातृभाषा के ही जानकार अधिक होने के कारण जो दूसरी जो भाषा अतिरिक्त हम पढ़ा रहे हैं उस भाषा को वे लोग ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुदालियर आयोग ने यह सुझाव दिया कि मिडिल स्कूल में 2 भाषाओं को तो आपको पढ़ाई जानी चाहिए कम से कम, लेकिन दोनों भाषाओं को एक साथ मतलब एट ए टाइम आप उसको नहीं पढ़ाने हैं। और तीसरा जो उन्होंने सुझाव दिया था वह यह है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अब माध्यमिक हुआ, मिडिल स्कूलों की बात हुई, और उच्च माध्यमिक स्तर पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चों को जब हम पठन पाठन करवाते हैं, तब जो है मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा में ही शिक्षा का माध्यम हमें देना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो डॉक्टर मुदालियर कमीशन ने जो सुझाव दिए थे सरकार को 1953 में जब उन्होंने रिपोर्ट दिया था, तो उनके अनुसार अगर हम देखें तो माध्यमिक पाठशालाओं में एक मातृभाषा के रूप में ही हम अध्ययन करा सकते हैं, या फिर कोई एक प्रादेशिक भाषा में ही उसका अध्ययन करा सकते हैं। मिडिल स्कूल तक आते आते उसके भाषा में अभिवृद्धि हो जाती है, इसलिए कम से कम 2 भाषाओं को हम लोग उसमें पढ़ाने की बात कहते हैं, लेकिन दोनों भाषाओं को एक साथ न पढ़ाएं। और उच्च माध्यमिक स्तर पर जब हम छात्रों को अध्ययन करवाते हैं तब मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा ऐसी 2 भाषाओं में उनका अध्ययन हमको करवाना चाहिए। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर मुदालियर आयोग की रिपोर्ट के बाद भी भाषा संबंधी समस्या का हल न होने के कारण तब एक और मतलब हल ढूंढा गया, वह केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा। इनकी मतलब इसका आविर्भाव क्यों हुआ, डॉक्टर ताराचंद आयोग और डॉक्टर मुदालियर आयोग ने भाषा की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो अपने सुझाव और सिफारिशें दी गई थी उसके पश्चात भी यह भाषा का जो भेदभाव था, यह भाषा की जो समस्या का कारण था। मैंने भेदभाव इसलिए कहा कि पहले ही एक बात मैंने कह दिया था पिछली कक्षा में कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के पक्ष में सभी राज्य के लोग नहीं थे। यह बात हम सभी लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, हाँ, क्योंकि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के कारण जो दूसरे भाषाई भाषाओं के लोगों की जो असंतृप्तियाँ थी, जो मनमुटाव था,
वो यहाँ पर भेदभाव था। इसलिए इस भाषा के समस्या को सुलझाने के लिए महान विदों ने, जैसे डॉक्टर ताराचंद समिति ने हो या फिर मुदालियर कमीशन ने हो, अपने अपनी ओर से जो है बहुत अच्छे से प्रयास किए। फिर भी जब ये समस्या का समाधान नहीं ढूंढा गया, तब एक फिर से एक आयोग का निर्माण किया गया, वह था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्येक विद्यार्थी को निम्न तीन भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी। अब यहाँ पर जो है अनिवार्यता की बात आ रही है, कंपलसरी की बात यहाँ पर आ रही है। जो माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उन सभी छात्रों को निम्न तीन भाषाओं का अनिवार्य रूप से पठन पाठन करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सरकार की नीतियाँ कैसे कैसे बदलते रहती है। पहले उन्होंने कहा कि मतलब केवल मातृभाषा में ही उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि एक बालक को उसका जब सर्वांगीण विकास हम विकास करवाना चाहते हैं तो उसे केवल एक भाषा में शिक्षा देने से नहीं चलेगी, उसे बहुभाषी बनना पड़ेगा। इसलिए सरकार की नीतियों में परिवर्तन हम इनके माध्यम से दे सकते हैं कि यहाँ पर तीन अनिवार्य बातों को यहाँ पर बताई गई है, मतलब तीन अनिवार्य भाषाओं को पढ़ना जरूरी किया गया है। वे कौन कौन से हैं देखते हैं। दृश्य पटल पर आपको यह दिख रहा है, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने जो तीन सुझाव दिए थे, उन तीन सुझावों में पहला सुझाव है मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, मतलब इसका अनिवार्य रूप से छात्रों को अध्ययन अध्यापन करना ही है। दूसरा है हिंदी, जो कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए प्रचलित था, और दूसरी जो भाषा थी या एक आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, मतलब आधुनिक भारतीय भाषा का जो अध्ययन है वो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए किया गया, और जो अहिंदी भाषी थे उनके लिए हिंदी भाषा को जरूरी रूप से पढ़ने की बात इस कमीशन ने, इस आयोग ने की। और तीसरी जो बात उन्होंने कही, और तीसरी जो भाषा है वह है आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है ना। तो केंद्रीय सलाह शिक्षा सलाहकार आयोग ने जो नियम बताए थे कि निम्न तीन बातों को आपको ध्यान से, या फिर निम्न तीन बातों में ही, मतलब निम्न तीन भाषाओं में ही आपका अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, उनमें है एक मातृभाषा, दूसरी हिंदी और तीसरी आंग्ल भाषा। हाँ, हिंदी भाषा अहिंदी भाषी प्रदेशों में पढ़ाई जानी चाहिए अनिवार्य रूप से, और कोई भी भारतीय आधुनिक भाषा जो है आप दूसरे, मतलब अहिंदी भाषी प्रदेशों के अतिरिक्त जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनको तो हिंदी अनायास रूप से आती ही है, इसलिए किसी दूसरे भाषा का ज्ञान भी उनको हो, इसलिए कोई भी भारतीय अन्य भाषा के रूप में उनका प्रयोग करने की छूट उन्होंने दी, छूट क्या बल्कि उन्होंने अनिवार्य ही कर दिया। इसलिए यह जो कमीशन है इसके दिए गए सिद्धांतों के अनुसार, इनके द्वारा दिए गए बातों को ध्यान में रखकर जो है त्रिभाषा सूत्र की गणना की जाती है। मतलब ताराचंद समिति हो, डॉक्टर मुदालियर कमीशन हो, या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ही क्यों ना हो, उन तीनों के अनुसार या उन तीनों के दिए गए सिफारिशों को ध्यान में रखकर 1957 ईस्वी में केंद्रीय प्रशासन ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 1961 ईस्वी में इस पर मुहर लगवा दी। मतलब सभी शिक्षा समितियों के द्वारा दिए गए बातों का अध्ययन करने के पश्चात सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि मतलब भाषा की समस्या को हल करने के लिए त्रिभाषा सूत्र का अपनाना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र में यानी तीन भाषाओं में एक मातृभाषा होगी, दूसरी कोई भी भारतीय भाषा होगी और तीसरी अंग्रेजी भाषा होगी। इस प्रकार इसकी शुरुआत जो है और इस पर मुहर लगवाई गई 1961 ई में। मतलब जितना भी क्रियान्वयन करना है वो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत ही हम लोग कर सकते हैं। इसलिए जब कक्षा कक्ष में, चूंकि हम लोग तेलुगु भाषी राज्य में अध्यापन कार्य करते हैं, जब तेलुगु मातृभाषा होने के कारण जब छात्र छठवीं कक्षा में आकर तुरंत जब हिंदी नहीं सीख पाता है, ऐसे समय में आप उसे अलग अलग भाषाओं के माध्यम से, खासकर त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से उन बातों को समझा सकते हैं जिनमें
एक उसकी मातृभाषा है, दूसरी कोई भी प्रादेशिक भाषा या फिर हिंदी भाषा है, और तीसरी कोई मतलब आंग्ल भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आप इसको सिखा सकते हैं। मतलब 1957 में दी गई यह सिफारिश 1961 में लागू की गई और त्रिभाषा सूत्र का आविर्भाव हो चुका था। मतलब त्रिभाषा सूत्र तीन भाषाओं के सूत्र पर कार्य करता है, जिसमें एक मातृभाषा है, दूसरी हिंदी है और तीसरी अंग्रेजी भाषा है। ऐसे तीनों भाषाओं को मिलाकर त्रिभाषा सूत्र का यहाँ पर प्रचलन हम लोगों ने देखा था। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। हमने भाषा के अर्थ को, उसकी प्रकृति को, उसके स्वरूप को जाना, उनके परिभाषाओं को भी हमने देखा, साथ साथ उसके कौन कौन से तत्व हैं, उसका स्वरूप किस प्रकार से है यह भी हमने जाना। उसके पश्चात प्राथमिक स्तर पर हिंदी की क्या विशेषताएं हैं, माध्यमिक स्तर पर क्या विशेषताएं हैं, इनके साथ साथ त्रिभाषा सूत्र क्या है और उसका आविर्भाव, उसकी उत्पत्ति कब और कहाँ कैसे हुई, इसका भी अध्ययन किया। अब उसके पश्चात चलते हैं कि मतलब भारतीय संविधान में हिंदी का क्या महत्व है, हिंदी का कितना स्थान ऊंचा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को जो राजभाषा का पद दिया, उसकी पृष्ठभूमि में हिंदी का सदियों पुराना इतिहास है। मतलब भारतीय संविधान जब अमल में आया 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा का महत्व और हिंदी भाषा के महत्व को जानकर उसे जो राजभाषा का दर्जा दिया, वह जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो पहले मैंने एक बात कही थी कि मतलब हिंदी ही राजभाषा क्यों बनाई गई, इसका भी प्रश्न मन में कौन सकता है। वह इसलिए कि भारत में हिंदी भाषा को जानने वाले लोग अन्य भाषाओं की तुलना में अलग है, और दूसरी बात, हिंदी साहित्य का जो समृद्ध इतिहास है वह मैं समझता हूँ किसी भी भाषा में उतना समृद्ध साहित्य नहीं होगा, और यहाँ जो भाषा बोली जाती है उस बोलने के प्रचलन के कारण, उसके साहित्यिक योगदान के कारण, और साथ साथ उसको मतलब किसी दूसरे भाषाओं में तुरंत से शब्दों को अपनाने के कारण, ऐसी कई खूबियों के कारण जो है भारत को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हालांकि उसके लिए भी बहुत मतलब विरोध हुआ था, लेकिन अंततः 1949 में 14 सितंबर को संविधान सभा ने एक मत से उसको मान लिया कि हमारे भारत की जो भाषा है, संघ राज्य की जो भाषा है, संघ की जो भाषा है, वह हिंदी होगी। इसलिए हम हर वर्ष 14 सितंबर को भारतीय भाषा के रूप में या फिर हिंदी भाषा के रूप में या फिर राजभाषा हिंदी दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। पखवाड़े के रूप में हम इसका आयोजन करते हैं, कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करके उस भाषा के उन्नयन के लिए, उस भाषा के प्रसिद्धि के लिए हम जो है उसके कार्य करते हैं। इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस हम लोग मनाते हैं। 10 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। यह बात अब जब हम कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे होते हैं तो 10वीं कक्षा में इसका अनुरोध किया गया है कि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। इसी कारण मतलब एक भाषा को न केवल डोमेस्टिक मतलब राज्य स्तरीयों पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम उसकी आयोजना करते हैं तब उसके महत्व को हम लोग आसानी से अंकित कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी होने की समृद्ध है करके हम लोग अपनी बात सामने रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान। हिंदी को राजभाषा के रूप में मुख्यतः चार क्षेत्रों, शासन, संविधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका में काम में लाया जाता है। तो हम लोगों को यह पता है कि मतलब भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को
मतलब प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन वो महत्वपूर्ण स्थान जो है वो किन किन विभागों में हम लोग कर सकते हैं, किन अलग अलग क्षेत्रों में हम इसको देख सकते हैं? तो वे हैं शासन, मतलब जितना भी मतलब शासन प्रक्रिया चल रहा है पूरे संपूर्ण भारत में उसका, साथ साथ संवैधानिक रूप से जो चलने वाले जो गतिविधियां हैं वे हैं, और न्यायपालिका यानी जितने भी मतलब न्यायालय हैं वे, और कार्यपालिका यानी कार्य करने वाली जितने भी मतलब संस्थाएं हैं, केंद्र शासित हों या फिर राज्य शासित, उन सभी में भारत को मतलब आगे बढ़ाने में या फिर आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और ये ही ऐसे मतलब चार अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें हम लोग भारतीय संविधान के माध्यम से हिंदी भाषा को आसानी से इसको अपना सकते हैं। तो इन चारों विभागों में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया था, इसलिए शासन, संविधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका में हिंदी को राजभाषा के रूप में इन चारों क्षेत्रों में अपनाया जाता है। उसके पश्चात देखिए संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार यह बताया गया है, यह प्रावधान लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब भारतीय संविधान के 17वें भाग और अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार यह बताई गई है कि संघ यानी भारत देश, क्योंकि अलग अलग राज्यों का यह है, यह एक संघ है, इसलिए संघ करके आप प्रिम्बल में भी पढ़ सकते हैं कि यह जो अलग अलग राज्यों का जो संघ है, इसीलिए संघ करके यहाँ पर संबोधित किया गया है। और उसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और उसका जो संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले जो अंक हैं और उन अंकों का जो रूप है वह अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। माने हम जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो एक मतलब 17(1)343 ये जो लिखे हैं वह भले ही मतलब अंग्रेजी अंकों अंक होंगे, लेकिन भारतीय संविधान ने इसको मान्यता दी है कि मतलब अंकों की जो रूप होगे वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। वरना हम लोग जैसे मराठी या फिर हिंदी के जो अंक हैं उस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, वो थोड़े से अलग आकृति के होंगे, अलग रूप में उसको लिखे जाते हैं, लेकिन हम अनायास रूप से इन शब्दों का भी, इन अंकों का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। तो इतना महत्वपूर्ण भाग जो है हिंदी का है जिसे भारतीय संविधान में भी प्रावधान लगाया गया है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद क्या क्या है? हमने यह जाना कि मतलब भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान दिया, राजभाषा का उसमें स्थान दिया, लेकिन हम यदि मान लीजिए भारतीय संविधान में इससे संबंधित पढ़ना चाहते हैं या फिर और कौन कौन से वे तत्व हैं उसे हम लोग देखना चाहते हैं, तो इसके लिए संविधान में, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से लेकर 351 तक जो आर्टिकल्स हैं, जो धाराएं हैं, वे सभी जो है हिंदी से संबंधित है। मतलब भारत के संविधान के 17वें अध्याय के मान लीजिए, माफ कीजिए, अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में जो धाराएं दी गई हैं उनमें 343 से लेकर 391 तक, माफ कीजिए 51 तक जो भाषा बातें की गई है वे पूरी जो है भारतीय संविधान में हिंदी से संबंधित प्रावधानों को करते हैं। इसमें अलग अलग धाराएं हैं, जैसे जो भी मतलब केंद्र शासित ऑफिसेस होंगे, जैसे चाहे वो बैंक हो या फिर न्यायपालिका हो या फिर रेलवे डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, ऐसे कई मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित ऑफिसेस होते हैं उनमें जो कार्यकाल किया जाता है, जो कार्यकरण किया जाता है, जो कार्य वहाँ पर चलता है वह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी किया जाना चाहिए।
इसलिए यह जो अलग अलग मुद्दे हैं, ये जो धाराएं हैं, वे धाराएं जो है आप इनमें पढ़ सकते हैं और भी सखोल रूप से आप इसको देख सकते हैं। परीक्षार्थी अगर इसके संबंधित अगर कोई मूल रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको छोटी छोटी किताबों के रूप में भी दिया जाता है, उसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर इन धाराओं से संबंधित उतनी बारीकी से तो मतलब अब तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन संभावनाएँ ही हमें दिखानी है, इसलिए इसका भी गहन अध्ययन आपको करना जरूरी है। संविधान ने अनुच्छेद 343 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 17 जून 1955 को, जिसके माध्यम से एक राजभाषा आयोग का स्थापना हुआ था, ध्यान से देखिए, 7 जून 1955 को उसमें जो बातें बताई गई थी वे हैं राजभाषा आयोग की, और इसमें राजभाषा आयोग में एक संगठन, एक गठन का निर्माण किया गया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि बी जी खेर, जिसे हम लोग बाल गंगाधर खेर के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, उन्होंने यह कहा कि जो भाषाएं हम लोग अपनाते हैं, उन अपनाई जाने वाली भाषाओं में जो हिंदी को अधिक से अधिक बल देने की जो बात कही है वे है राजभाषा आयोग ने। इसकी स्थापना जो है 7 जून 1955 में की गई थी, और इसका गठन होने के बाद इसके जो अध्यक्ष थे वे थे बाल गंगाधर खेर। भले ही ये नाम थोड़ा सा सुनने में अलग नया लगे, लेकिन वे मुख्य रूप से जो है बी जी खेर नाम से जो है वो प्रचलित थे। तो उन्होंने राजभाषा आयोग के माध्यम से जो भाषाएँ मतलब बातें कही थी, उसमें ही यह कहा गया कि मतलब भारतीय संविधान यह प्रावधान देता है कि मतलब हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी, और साथ साथ इसमें जो दिए गए प्रावधान होंगे उन्हीं के अनुरूप जो है यह कार्यकाल करते रहेंगे, खासकर अलग अलग कार्यालयों में। तो विद्यार्थी मित्रों, इस भाग में हमने भाषा, खासकर प्राथमिक रूप में या प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, सरकारी भाषा के रूप में हिंदी, त्रिभाषा सूत्र क्या है, त्रिभाषा सूत्र का लागू करने का जो कारण है वो क्या था, उसे लागू करने में किन किन शिक्षाविदों का मुख्य योगदान था, और साथ साथ भारतीय संविधान में हिंदी को लेकर कौन कौन सी बातें की गई हैं, कौन कौन से प्रावधान उसमें रखे गए हैं, इसका आज हमने अध्ययन किया। अगले एक नए अंक में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।